हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 7 पार्ट 1। मैंने आपको अगले वीडियो में मैं बोला था आपको कि आप वर्कबुक लेके बैठना, तो आई होप आप वर्कबुक लेके बैठे होगी। तो पेज नंबर 106 ओपन करो। 106 यूनिट 7 ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। उसके नीचे देखो लुक लिसन एंड रिपीट, जो आपको उसके नीचे वर्ड्स दिए गए सारे निशाने देखने सुनने और वन बाय वन रिपीट करने। ब्लैक बोर्ड ड्रॉ डूर गेट्स और बाकी के जो वर्ड्स हैं आपको वैसे ही बोलने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर टर्न योर पेज नंबर 107। नेक्स्ट पेज 107। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। आपको करेक्ट ऑप्शन लिखने, जो आपको चार अल्फाबेट दिए ए बी सी और डी, उनमें उनके सामने आपको जो आंसर आता है उनके सामने जो अल्फाबेट आता है वो आपको जो बॉक्स दिया है क्वेश्चन के सामने उसके अंदर आपको लिखना है अल्फाबेट। तो यहाँ पर मैं उसका आंसर ही लिखाऊंगा, उसके साथ साथ भी उसके जो अल्फाबेट आते हैं वो भी लिखाऊंगा, दोनों के दोनों वो साथ में लिखना है और आपको ब्लैंक के अंदर भी लिखना है। फर्स्ट नंबर पर है व्हाट हैज़ द चाइल्ड ड्रो ऑन द ब्लैक बोर्ड। एक जो छोटा बच्चा था उसने ब्लैक बोर्ड पर क्या ड्रॉ किया था, तो आपको पता होगा कि उसने क्या ड्रॉ किया। तो ऑप्शन है ए सन, बी मैरीगोल्ड, सी हाउस या डी स्कूल। तो क्या ड्रॉ किया था उसने ब्लैक बोर्ड पर। आप टेक्स्ट बुक के अंदर सीख के आए होंगे तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि उसने ब्लैक बोर्ड पर क्या ड्रॉ किया था। तो उसने ब्लैक बोर्ड पर खुद का इसने अपना खुद का हाउस ड्रॉ किया था। तो फर्स्ट नंबर पर है, फर्स्ट का आंसर है हाउस, इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन है सी। तो आपको ये ऑप्शन सी बॉक्स के अंदर लिखना है। सेकंड नंबर पर द डोर ऑफ द हाउस इज ब्लैंक। जो डोर घर का दरवाजा कैसा था, कौन से कलर का था, तो आपको पता होगा कि कौन से कलर का था घर का दरवाजा। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए ग्रीन, बी येलो, सी वाइट या डी रेड। तो कौन से कलर का था, ग्रीन कलर का। तो वहाँ पर सेकंड पे आएगा ग्रीन, इसका ऑप्शन है ए। थर्ड नंबर पर आप देख सकते हो द गेट्स आर ब्लैंक। तो गेट्स जो वॉल के बाजू में बड़ा सा गेट हम बनाते हैं, वो पिक्चर के अंदर उस एक छोटे से बच्चे ने बनाया था, वो किस कलर का था, तो कौन से कलर का था, तो आपको पता होगा कि वो कौन से कलर का था। तो ऑप्शन है ए रेड, बी ब्राउन, सी वाइट, डी येलो। तो कौन से कलर का था, तो आपको पता होगा कि वो कौन से कलर का था, आपने वो पिक्चर देखा होगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वो कौन से कलर का था, तो वो ब्राउन कलर का था। तो थर्ड में आएगा आंसर ऑप्शन ए बी ब्राउन। उसके बाद उसके नीचे देखो हाउ मैनी विंडोज आर देयर, कितने विंडोज थे पिक्चर के अंदर। तो आपको पता है कितने विंडोज थे, एक बाहर की ओर था, दो यहाँ पर थे और दो यहाँ पर थे। कितने थे कुल मिला के, कितने थे 5, कुल मिला के कितने थे 5। तो ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 या डी 5।
तो कुल मिला के कितने दिए, तो फोर्थ में आएगा 5। ऑप्शन है डी। तो बच्चों फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक के ऑप्शन लिख दो। उसके बाद उसके नीचे देखो फिफ्थ नंबर, हाउ मैनी मेरी गोल्ड्स आर देयर। मेरी गोल्ड्स जो फ्लावर जो मैंने आपको बताया वो कितने थे, तो आपको पता है कि कितने थे, वो 6 थे। कि जो वॉल है उसका जो वॉल के सामने 2 यहाँ पर थे, 1 यहाँ पर था, 3 वहाँ पर थे, कुल मिला के कितने थे, 6। तो आंसर आएगा फिफ्थ में। ऑप्शन है फिर उसके बाद 6 नंबर पर, द मेरी गोल्ड्स आर ब्लैंक। मेरी गोल्ड जो थे वो कौन से कलर के थे, तो आपको पता है वो कौन से कलर का थे, येलो कलर के थे। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए वाइट, बी ग्रीन, सी येलो या डी रेड। तो कौन से कलर का थे, येलो कलर का। ऑप्शन है सी, द मेरी गोल्ड्स आर ग्रोइंग अगेंस्ट द ब्लैंक। मेरी गोल्ड जो थे वो कहाँ उगाए थे, किसके सामने उगाए थे, तो वॉल जो दीवार थी उसके सामने वो उगाए थे। तो फर्स्ट नंबर पर है विंडोज, विंडोज के सामने तो नहीं उगाए थे। बी वॉल, तो कहाँ उगाए थे, वॉल के सामने, तो वहाँ पर बी आएगा। सी डोर या डी केयर्स, किसके सामने थे, वॉल के सामने, तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा बी वॉल। फिफ्थ से लेकर 7 तक या आपको सारे 1 से लेकर 7 तक के ऑप्शन है, इसके आंसर है जो आपका बैठे वो आपको बॉक्स के अंदर लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्नर पे पेज नंबर 108। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। जो बॉक्स के अंदर जो दिए गए जो इसके आंसर, उनमें से ढूंढ के आपको वहाँ पर लिखना है। आपने पिक्चर अच्छी तरह देखा होगा तो आपको सारे के सारे फिफ्थ के फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक्स आपको आती होगी। जो आपने पिक्चर अच्छी तरह देखा नहीं होगा तो आपको वहाँ पर मिस्टेक होगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर पर। फर्स्ट ब्लैंक डोर, डोर का कलर कौन सा था, किस कलर का था, तो डोर का कलर था ग्रीन कलर का था। तो वहाँ पर आएगा फर्स्ट नंबर पर आएगा ग्रीन। सेकंड नंबर पर देखो ब्लैंक गेट्स, जो दीवार के बाद वॉल के बाजू में जो गेट्स थे पिक्चर के अंदर आपने देखा होगा, तो वो कौन से कलर के थे, ब्राउन। तो वहां पर आएगा ब्राउन। उसके बाद थर्ड नंबर पर देखो ब्लैंक स्टेप्स, जो सीढ़ी आती वो कौन से कलर की थी, डोर जो गेट्स थे वहां से देखते थे, तो कौन से कलर थी, रेड कलर की थी। तो वहां पर आएगा रेड। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पर देखो चिमनीज, जो छत के ऊपर थी वो कौन से कलर की थी, वो पता है वो कौन से कलर की थी,
फोर्थ नंबर पे आएगा वाइट, लास्ट फिफ्थ नंबर जो मैरीगोल्ड्स थे वो कौन से कलर थे, येलो। येलो। तो वन से लेकर फिफ्थ तक की फिल्म देख लें कंप्लीट कर दी। इसके बाद नेक्स्ट लुक लिसन एंड रिपीट। तो वहाँ पर आपको जितने भी दिए वो सारे के सारे राइमिंग वर्ड्स दिए, तो आपको वो राइमिंग वर्ड्स देखने, सुनने और वन बाय वन रिपीट करने हैं। ड्रेन, ट्रो, ट्रीप, ट्रेन, ब्रिक, ब्राउन, वो बाकी के जो नीचे वो आपको अपने हिसाब से रीड करने हैं। उसके नीचे देख सकते हैं टू टू राइमिंग वर्ड्स कितने हैं, राइट टू राइमिंग वर्ड्स। आपको जो कलरिंग में दिए जैसे कि टी एच आर कलरिंग में दिए, तो वो सब के सब जितने भी आप राइमिंग वर्ड लिखोगे, यहाँ पर दो किए तो दो राइमिंग वर्ड लिखेंगे, तो उसमें फर्स्ट के जो तीन अल्फ़ाबेट है वो सेम टू सेम आने चाहिए, टी एच आर वो सब में सबके अंदर सेम टू सेम आने चाहिए। तो इसके नीचे एस टी वो सब में सेम, वैसे फिफ्थ तक है तो वैसे सेम टू सेम वहाँ पर आने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको तीन सिखाऊंगा, बाकी के दो आपको अपने हिसाब से करने हैं। ऊपर बॉक्स में से ढूंढ कर भी आप लिख सकते हो, उसके अलावा भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर है ट्रेस, उसके दो राइमिंग वर्ड वहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है ट्रेस। ट्रेस है उसके जो तीन आगे के तीन जो अल्फाबेट है वो कलरिंग में। तो आपको दो उसके राइमिंग वर्ड लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो आगे के तीन अल्फाबेट है वो सेम टू सेम इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए, वो राइमिंग वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं और यहाँ भी हम लिखते हैं थ्रो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर टी एच आर, यहाँ पर भी टी एच आर और यहाँ पर भी टी एच आर, यहाँ पर भी सेम टू सेम, यहाँ पर भी सेम टू सेम और यहाँ पर भी सेम टू सेम। तो ये ऊपर जो लुक लिसन है रिपीट, उसके नीचे जो वर्ड्स दिए गए उनमें से ढूंढ कर भी आप लिख सकते हो, उसके अलावा भी आप लिख सकते हो। इस सेकंड नंबर पर है स्टार। तब आपको वैसे ऊपर समझाया कि वही एस टी एस टी सब में सेम टू सेम आने चाहिए आगे के दो वर्ड। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टॉप और दूसरा लिखते हैं हम स्टैंड। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही के वही जो पीछे की जो वर्ड्स हैं वो कलरिंग में आते हैं, तो आपको वैसे ही राइमिंग वर्ड्स लिखने के
जैसे यहाँ पर एस एच पीछे की सेम टू सेम, तो यहाँ पर उसके पीछे एस एच आना चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर आप देख सकते हो ड्रिंक, ड्रिंक। तो यहाँ पर दो कलरिंग में दिए, तो आप वैसे ही सेम टू सेम लिखना है यहाँ पर ड्रिंक और यहाँ पर डी आर सेम टू सेम ही, यहाँ पर भी सेम टू सेम, यहाँ पर भी सेम। तो वैसे आपको जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर का है वो आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। ऊपर में से ऊपर जो बॉक्स है उनमें से ढूंढ कर भी आप देख सकते हो, उसके अलावा भी आप देख सकते हो जो आगे के जो जितने भी कलरिंग दिए गए अल्फाबेट वो आपको सेम टू सेम लिखना है। आपको सिर्फ दो ही राइमिंग वर्ड लिखने हैं। फोर्थ और फिफ्थ जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में आपको घर से करना है। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स और दो दो राइमिंग वर्ड मैंने आपको सिखाए। नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे का जो लेसन है वो सीखेंगे, उसकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हम आगे करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।